नमस्ते भारत, आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में भी इसी प्रकार से रंग बिखरें, खुशियों के रंग बिखरें, उन्नति के रंग बिखरें, जैसे रंग हम सब लोग होली पर एक दूसरे के चेहरे पर लगाते हैं। खुश रहिए, तरक्की करिए और बहुत ही उत्साह के साथ होली का त्यौहार मनाएं, लेकिन सावधानी के साथ भी मनाएं। और उन लोगों के लिए एक छोटा सा सलाह, एक छोटी सी सलाह मैं देना चाहती हूँ जो लगातार ये ज्ञान बांट रहे हैं कि होली के त्यौहार पर चेहरों पर रंग मत लगाओ, दिलों को रंगो, पानी बर्बाद मत करो। तो उनसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पूरे साल भर तो इनको पानी बचाने की याद नहीं आती है, मुझे कहीं ये ज्ञान बांटते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और खास तौर पर ये वो लोग होते हैं जो जब अपने घरों में इनकी डोमेस्टिक हेल्प बर्तन धो रही होती है या ये खुद अपने बर्तन धो रहे होते हैं, और जब वो बर्तन मल भी रहे होते हैं तो भी नल चल रहा होता है, पानी गिर रहा होता है, उस वक्त इनको ये सलाह देनी याद नहीं आती अपनी डोमेस्टिक हेल्प को कि आप पानी बर्बाद कर रहे हो, पानी को मत बर्बाद करो, नल बंद करो, उसके बाद जब जरूरत पड़े तब उसको खोलो। या जब ये सुबह सुबह उठ के ब्रश कर रहे होते हैं तो जब ब्रश कर भी रहे होते हैं तो पानी का जो नल है वो खुला रहता है, तब इन ज्ञानी लोगों को ध्यान नहीं आता है कि पानी को बचाना है, पानी बहुत महत्वपूर्ण है, हमें हर सिंगल ड्रॉप पानी की बचानी है, तब ये अपने आप को वो ज्ञान नहीं देते हैं। जब अपनी घर की कार्स को वॉश करते हैं और पानी लगातार इनके पाइप से चल रहा होता है तब इनको याद नहीं आती है, तब इनकी आत्मा नहीं जगती है कि पानी को बचाना है, पानी को बंद कर देते हैं, धीरे धीरे करते हैं, या बकेट में पानी को लेकर के, बाल्टी में पानी लेकर के अपनी कार्स को वॉश कर देते हैं, तब इनको वो ज्ञान अपने को देते हुए देना बिल्कुल ध्यान नहीं आता है। या जब इनके घर में किसी भी घर के किसी टैप में कोई लीकेज होती है, पानी ड्रॉप ड्रॉप करके गिर रहा होता है, तब इनको कोई चिंता नहीं होता, तब लगता है अरे एक ड्रॉप से क्या होता है, एक ही तो बूंद है, बूंद बूंद ही तो गिर रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है। उस वक्त ये नहीं सोचते हैं कि एक एक बूंद से सागर भर जाता है और इस ड्रॉप को बचाना चाहिए, इसको फिक्स करा देना चाहिए प्लम्बर को बुला के, तब ये वो ज्ञान अपने आप को नहीं देते हैं, तब इनको याद नहीं आती है। जब इनके ओवरहेड टैंक्स में से पानी गिर रहा होता है, बह रहा होता है, जब फ्रेश वाटर आता है, तब ये उन ओवरहेड टैंक्स को फिक्स नहीं करवाते हैं, तब इनकी आत्मा नहीं जगती है, तब इनको दुख नहीं होता है, तब इनको याद नहीं आती है कि पानी बर्बाद हो रहा है। जब कहीं पर रास्ते में ट्रैवल कर रहे होते हैं, कोई नल जो सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं वो खुले होते हैं, उनमें से पानी बह रहा होता है या किसी प्रकार की लीकेज होती है, ना तो वो उतर करके उस नल को बंद करते हैं, ना उस लीकेज को फिक्स करने के लिए कहीं पर किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या उसको रिपोर्ट करते हैं, तब कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही साल में एक बार होली का त्यौहार आता है तो तुरंत बोलते हैं कि नहीं नहीं पानी वाली होली मत खेलो, पानी को बचाओ, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी बहुत आवश्यक है, एंड ज्ञान पे ज्ञान चला जाता है। कोई किसी जैसे एलजी ने एक ट्वीट था जो हटा दिया उन्होंने, अब मेरे ख्याल से हटा दिया है, उसमें ये बोल दिया कि रंग चेहरों को मत रखो, रंगो दिल को रंगो। अरे भैया आप कौन होते हो हमें ये ज्ञान देने वाला, हम चेहरे भी रंगेंगे और हमारे दिल भी देश प्रेम में और इस देश के साथ की देशभक्ति में लीन है और रंगा हुआ है, तो प्लीज़ ये ज्ञान आप किसी और को दीजिए। एनीवेज पूरे देश को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी होली बहुत बढ़िया रहे और सुरक्षित होली खेले, यही मैं चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।